जाता है जब शनि खुश होते हैं तो आपको करोड़पति बना देते हैं, रंग से राजा बना देते हैं। लेकिन एक साधारण इंसान शनि देवता को खुश, बहुत लोग नहीं जानते कि वो खुश कैसे करें, कैसे खुश किया जा सकता है शनि देवता को। देखिए, ग्रहों के लिए खुश करने के लिए उनको बहुत भारी भरकम पूजा पाठ का जरूरत नहीं होता है। छोटी छोटी चीजों से बहुत आसानी से ग्रहों को ठीक किया जा सकता है। शनि ग्रह सबसे बड़ी बात है परिश्रम के कारक होते हैं। पहले व्यक्ति परिश्रम करना चालू कर दे, जीवन में परिश्रम जो करना चालू कर दिया, शनि ग्रह उसका अहित नहीं करेंगे। चाचा से संबंध अच्छे कर लें, ठीक है, शनि चाचा के कारक होते हैं। शनि कपड़े कभी भी जो है ऐसे नहीं फेंके, फोल्ड करके हमेशा रखें, ये आदतें। और पीपल वृक्ष का पूजन करना, पीपल वृक्ष के पूजन करने से, पीपल वृक्ष के पास जाने से ही शनि ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। क्यों, कुछ विशेष है क्या पीपल? इसका विशेष कारण यह है कि जो महर्षि दधीच थे, उनके जो पुत्र थे, उन्होंने शनि ग्रह को तपस्या करके भस्म करने का, क्योंकि शनि की दशा अंतर दशा में उनके माता पिता का मृत्यु हुआ था और उनका खुद का शनि का दशा चल रहा था, 3 साल की अवस्था में जो उनके माता पिता चले गए, तो उन्होंने तपस्या करके उनको भस्म करना चाहा। तो देवता लोग आ गए, बोले कि नहीं, दूसरे प्रकार से इनको जो है क्षमा करिए, दूसरे प्रकार से इनसे कुछ कर लीजिए। तो वो बोले कि जो हमारे पास आ जाए, पीपल वृक्ष के पास आ जाए, क्योंकि वो तपस्या पीपल वृक्ष के पास किए थे, तो पीपल वृक्ष के पास जाने से ही शनि ग्रह वहाँ पे एकदम शून्य हो जाते हैं, उसका पीछा छोड़ देते हैं। इसीलिए उसको जल देने की परंपरा, और वैसे वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो पीपल वृक्ष, चूँकि धनात्मक ऊर्जा का प्रभाव वहाँ बहुत ज़्यादा होता है शनि में, और जो निगेटिव होता है वहाँ पर तुरंत पॉजिटिव हो जाता है। तो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो है पीपल वृक्ष का पूजन करना, दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करना, हनुमान जी का पूजन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, ये सब बहुत पर्याप्त उपचार है। इसी से खुश हो जाते हैं। अगर शनि हमारे बहुत मार्केस ग्रह है तो उन वस्तुओं का दान देना, जैसे सरसों तेल, काला उड़द, काली वस्तु, कोयला, इन सब चीज़ों का दान देने से भी उनकी जो है अशुभता काफ़ी कम हो जाती है। छोटे छोटे उपचार है लेकिन बहुत प्रभावित होते हैं।